Good morning, class. Today we will learn about algebraic identities of class 9 or algebraic maths. ये जो algebraic identities है, maths में maths का base समझो आप. अगर आप 11th और 12th में science maths या science bio लेना चाहते हो, it means you have to learn this all algebraic identities. इनमें से जो first four है, ये तो आपने class 8 में पढ़ ली थी. ठीक है? क्या है? X plus y square equal to this. X minus y square is equal to this. X square minus y square equal to x plus y. X minus y. X plus a, x plus b is equal to this. Okay. नई identities कौन-कौन से आएगी? X plus y plus z का whole square. Three numbers का sum हो रहा है उनका square. Simple. X square, y square, z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. X plus y whole cube. देखो. अगर आपको ये चार आइडेंटिटीज याद है और क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 अच्छे से आता है, इट मींस ये सारे आइडेंटिटीज आप इजीली बना सकते हो. देखो, x plus y का होल क्यूब, इट मींस वी कैन राइट लाइक दिस, x plus y एंड x plus y होल स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो, ये तो आइडेंटिटी आपने क्लास 8 में याद की थी, ये रही. और x plus y से मल्टीप्लाई करना है. When you do multiply, you will get this. Similarly, x minus y का होल क्यूब, x cube plus y cube, x cube minus y cube, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. तो आपको टोटली ये 10 आइडेंटिटीज याद करनी है. ठीक है? ओके. नाउ वी विल डिस्कस ऑफ सम क्वेश्चंस ऑफ दीज आइडेंटिटीज. ओके. एक्सरसाइज जो है आपके क्लास 9 की 2.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अब देखो, x प्लस 8 एंड x प्लस 10, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मल्टीपल ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, वी हैव टू यूज दीज आइडेंटिटी. अब देखो, इस आइडेंटिटी के जैसा, इस क्वेश्चन के जैसी आइडेंटिटी कौन सी है? फोर्थ नंबर देखो, x प्लस a, x प्लस b. तो ये आइडेंटिटी किस फॉर्मेट में है? या ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है? x प्लस a एंड x प्लस b. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर a प्लस b x प्लस a b. तो x स्क्वायर a प्लस b x प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस ए बी. सिंपल सॉल्व हो गया. ओके. तो अब हम पहले क्या करते हैं, इन आइडेंटिटीज को रख कर देते हैं, ये अभी यूज में नहीं है. डन. फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमसे. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट है x plus 8 and x minus 10. While comparing the identities, we have to observe pattern. Plus minus के symbol का ध्यान नहीं रखना है. अभी भी ये identity किसके जैसी है? इसके जैसी ही है. देखो, x plus a, x plus b. अब यहाँ पर x की जगह पर तो x ही है. Done. बट ए के प्लेस पे क्या है? 8. एंड बी के प्लेस पे क्या है? माइनस 10. तो देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होता है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस 10. फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो यहां पर क्या बन जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 x स्क्वायर, और यहां पे x आएगा माइनस 2x एंड माइनस 80. प्लस माइनस माइनस होगा, 10 माइनस 8 2 बनाएगा, 2 का x से मल्टीप्लाई किया 2x, 8 का 10 से मल्टीप्लाई किया 80. सिंपल. नाउ अब इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन, अब इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, विच इज
y square plus 3 upon 2 y square minus 3 upon 2. अब देखो ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आपको, a plus b and a minus b. It will be, sorry, इसको a plus b लिख दिया मैंने. आइडेंटिटी आप जो बुक में लिखी गई है वो इस तरह से x plus y and x minus y. It will be equal to x square minus y square. तो x के प्लेस पे तो y है और y के प्लेस पे 3 upon 2 है तो x square. It means y square का square, y square 3 upon 2 का square, y की पावर 4 minus 9 upon 4. ये आपका आंसर बनेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं बताया जाएगा आपको, ओनली समझाया जाएगा. यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. By using identities, we have to evaluate value of this. इसकी value क्या आएगी multiply करने पे? Direct multiply नहीं करना है, okay? How can we write this number 100 plus 3 and 100 plus 7, okay? Now we have to use identity. अब ये जो format बना है, कौन सी identities का format है? X plus A and X plus B. तो जो भी ये आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी अप्लाई करना, x की जगह पे 100 लिखना, a की जगह. अब आपको कहां लिखना है, देखो यहां पर x की जगह पे 100 आएगा, a की जगह पे 3, b की जगह पे 7, x की जगह पे 100, a की जगह पे 3, b की जगह पे 7, और सबको ऐड कर देना. सिमिलरली दिस 90 प्लस 6. वापस आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये x के प्लेस पे 90, a के प्लेस पे 5, b के प्लेस पे 6, x के प्लेस पे 90, a 5 b 6. सिमिलर आगे आपको करना है. अब इसको देखो ये पूरा करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4. इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4. 100 प्लस 4 104, 100 माइनस 4 96. अब ये जो फॉर्मेट बना है इसको ऑब्जर्व करो, विच आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बनी है x plus y and x minus y. इट मींस 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 16. जो भी आंसर आएगा लिख देना, सिंपल है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Third part 1, 9x square plus 6xy plus y square. Okay, second part आपको self करना है और third part जो है x square minus y square 100. अब देखो ये identity इसका expanded form है, ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है, वी हैव टू कन्वर्ट इन स्मॉल फॉर्म. जैसे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो. तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में गिवन है, आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. 9 इज स्क्वायर ऑफ व्हिच नंबर, 3, देन 3x, बीच में प्लस है तो प्लस, y स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ व्हिच नंबर, y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर. सिंपल था. इसको देखो ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आइडेंटिटी 3 के फॉर्मेट में है. तो x plus y, x minus y, तो x plus y upon 10. अब ये 10 क्यों आएगा, because इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, x का होल स्क्वायर माइनस y upon 10 का होल स्क्वायर.
10 के स्क्वायर पे 100 होता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू x माइनस y अपॉन 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल था, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया वो आपका होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो मैं आपको इनके दो क्वेश्चन बताऊंगा, x प्लस 2y प्लस 4z। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि आइडेंटिटी जो लगेगी वो ये वाली लगेगी, डन है ये तो। अब x के प्लेस पे x है, y के प्लेस पे 2y है, z के प्लेस पे 4z है। तो देखो इसका x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 into x into 2y plus 2 into 2y into 4z plus 2 into 4z into x, क्या था 2 into xy, x और y का मल्टीप्लाई, इधर देखो x और y का मल्टीप्लाई, फिर yz 2 into y और z का मल्टीप्लाई, तो yz क्या है 2y और 4z, zx क्या है 4z और x, तो इन सबको सॉल्व करो, x स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 2 4xy 2 2 4 4 4 16yz प्लस 2 4 8zx, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4th का फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखो नो डाउट आइडेंटिटी तो यही यूज होगी। अब देखो x के प्लेस पे क्या है 3a, 3a का स्क्वायर, यहां प्लस था प्लस पुट किया, y स्क्वायर, y की जगह पे क्या है माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2xy, इन दोनों का मल्टीपल 3a माइनस 7b प्लस 2 इंटू yz माइनस 7b, y की जगह पे 7 है और इसकी जगह पे माइनस c, दोनों का मल्टीपल हो रहा है, प्लस 2zx, z की जगह पे क्या है माइनस का c और ये 3a। अब देखो इसका हुआ 9a स्क्वायर, इसका हुआ 49b स्क्वायर, इसका हुआ प्लस c स्क्वायर। अब देखो 2 3 6 6 7 42 और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 42ab, माइनस माइनस प्लस 2 7 14 14bc, 2 3 6 6ac, ये माइनस का था इसलिए माइनस। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डन डू विद, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे।